हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सुबह सुबह तो नहीं है, अब तो खैर 12:30 हो गए, बट मैं निकल गया था सुबह और मैं अपनी बुआ के घर आया हुआ था। तो अभी उनसे बुआ तो नहीं मिली, खैर बुआ तो गई भी है बट लेकिन मेरा भाई था यहाँ पर और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। भाई एक चीज़ है, मतलब मैं ना अभी फिलहाल जा रहा हूँ, मतलब एक बुआ और उनके घर जा रहा हूँ, दो चीज़ें शेयर करनी थी। पहली तो एक मिनट रुको यार, पहले मैंने मोबाइल ना स्टैंड पे लगा दो, रुको। अब ठीक है ना, जैसे नॉर्मली मैं करता हूँ, एक्चुअली स्टैंड नहीं लगा रखा था, तब लगा लिया। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, दो चीज़ें शेयर करनी थी। एक तो हम लोग ना अपने लाइफ में ना इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोगों को अपने ही लोगों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। जैसे मेरी 3 बुआएं हैं, तो अजमेर रहती हैं एक बुआ और 2 बुआ दिल्ली में रहती हैं। तो अजमेर वाली बुआ के तो फिर भी चले आते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ फंक्शंस वगैरह उनके काफ़ी रेगुलर होते हैं, तो साल में 2-3-4 चक्कर, और मैं तो वैसे भी अभी गया था तो मतलब मिल लिया था उनसे, मिल गया था। फिर मामा जी वगैरह बुआ भी आते रहते हैं दिल्ली रेगुलर। बाकी जो 2 बुआ है ना, उनसे इतना मिलना नहीं हो पाता, मतलब बहुत कम मिलना होता है। जैसे मैं जा, हालांकि मैं बड़ी, मेरी बड़ी जो बड़ी बुआ है उनके घर फिर भी रेगुलर जाता रहता, अभी काफ़ी टाइम गैप हो गया मैं नहीं गया। छोटी बुआ के यहाँ भी काफ़ी टाइम हो गया नहीं गया, बीच में फंक्शंस वगैरह में होते हैं हम जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं देख रहा हूँ कि जब हम छोटे थे ना, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो ये चीज़ें ना ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी। इवन की जो लोकल, जैसे मेरी दादी थी ना, वो लोकल में ज़्यादा जाती थी मिलने, भाई अपने साथ की जो उनकी हो गई लेडीज, उनके साथ जो हमारे रिलेटिव है उनके यहाँ मिलने मुलाने जाते रहते थे, वो भी हमारे यहाँ आते रहते थे और बहुत अच्छा लगता था मुझे। मुझे तो भैया सच बताऊँ, मुझे पर्सनली अगर आप पूछोगे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, कि मिलना मिलाना लोगों से और वो कोई हमारे घर आए, हम उनके घर जाएं। आज की डेट में ना उल्टा हो गया। पहली बात तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, मतलब अपने ही रिलेटिव्स के टाइम नहीं है, अपने घर वालों के लिए। जैसे हमारी बुआ है, मेरे बहुत टाइम हो गया मुझे खुद, मतलब मैं आप किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ कि मुझे खुद ही बहुत टाइम हो गया इनसे मिले हुए। तो इसलिए मैंने आज सोचा, मैंने कहा चलो मिल के आते हैं। अब मम्मी पापा गाँव में है तो यहाँ पे मैंने कहा चल मिल के ही आते ना। तो लोगों को क्या हो गया कि एक तो टाइम नहीं है लोगों के पास, दूसरी चीज लोगों के अंदर भी तो क्या हो गया है, हम कतराते हैं कि यार हमारे यहाँ कोई ना है, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो पता क्यों हो रहा है? न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से। जो जॉइंट फैमिलीज होती है ना, उनमें ऐसा कभी नहीं होता, उनमें तो बल्कि अच्छा लगता है कि यार कोई हमारे घर आ रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज का क्या हो गया कि यार आदत ही वैसी पड़ गई कि मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, दैट्स इट, जो कि बहुत डेंजरस है आने वाले टाइम के लिए। तो अब क्या हो गया कि भाई सिर्फ मैं, मेरी बीवी, बच्चा, कोई आता है तो डिस्टर्ब होती है, वो खुद भी नहीं आते। जो वीकेंड होता है, चलो जी मॉल चल रहे हैं बच्चों को लेके, चलो ये चल रहा है, मैं खुद भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, बट मेरे साथ ये है कि मैं रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ, फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ मिलता रहता हूँ। एक इसी बात से याद भी आ गया, एक भाई है उसका एक्सीडेंट हुआ था, उससे भी मिलने जाना है, तो आज मैं सोच रहा हूँ आज उसको भी निपटाऊंगा। 2 दिन पहले पता लग गया था मेरे को ना, अच्छा नहीं लगता जब पता लग जाता है ना, उसके बाद फिर ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता, तो उसके अभी जाना है, भी याद आ गया। दूसरी चीज़ मैं जो बोल रहा था, एक तो यही होगी कि रिश्तेदारी जो है वो कम होती जा रही है, हम लोग मिलना मिलाना कम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे मैं ना अल्कोहल नहीं पीता, तो जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, उनको पता है वो लोग पीते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या भी नहीं है उनसे, अनटिल अनलेस कि वो लिमिट में रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे जो छोटे भाई बहन है ना, वो ना कतराते हैं मेरे सामने आने से, जबकि मैं कभी किसी को कुछ कहता ही नहीं कि यार ठीक है, अगर तुम देखो कुछ भी करो, मैं कह रहा हूँ अगर आप शराब पी रहे हो ना, आपके अंदर सेंस अगर है ना उस शराब को पीने की, उसके नशे को झेलने की, आप कमाते हो, सक्षम हो, सब चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई आप पियो। बट अगर नहीं है ना, वो नहीं है, और आप माँ बाप के पैसों पे पी रहे हो या इधर उधर से जुगाड़ करके पी रहे हो, तो भाई वो नशा नहीं कर रहे हो आप, वो अपने आप को नाश कर रहे हो, अपना भी और घर वालों का भी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो मेरे छोटे भाई बहन है, भाई है मतलब, बहन तो क्या क्या ही है, वो ना कतराते हैं कि भाई यारे भाई आ गया, कल्टी हो लो। जबकि मैं बहुत फ्रेंक हूँ हर किसी के साथ, आपने मेरे व्लॉग्स वगैरह में देखा होगा, मैं तो बहुत मस्ती मजाक करता हूँ, बट लेकिन कतराते हैं। तो यार ये ना गलत चीज़ है, मतलब अब जो गलत होगा वही कतराता है, सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, तो जो ठीक होगा ना वो कभी नहीं कतराएगा। तो ये सारी चीज़ें कहने थी। अब एक बुआ के घर गए थे, बुआ मिली नहीं, फ़ोन करता हूँ अभी बुआ को कि बुआ मैं आया था, आप मिले नहीं, तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। तो फिर छोटी बुआ है, उनके घर जा रहा हूँ। तो भाई पहुंच गया हूँ बुआ के घर भी, वहाँ बुआ से मिलके फिर घर जाऊंगा। भाई यहाँ से निकल रहा हूँ, बुआ ने दिया है अपना प्यार। तो ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये
और इससे ज्यादा जो मिलना मिलना जुलना है, प्यार मोहब्बत है, वो बढ़ता रहता है। तो फिलहाल बारिश हो गई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई सब बारिश हो गई तगड़ी, तो थोड़ा सा भीग भी लेंगे, मजा आ जाएगा। चलो भाग के पहुंचता हूँ। बारिश हो गई, भीग गए थोड़ा सा, लेकिन मजा है, बढ़िया है। मतलब कहने का मतलब ये कि बढ़िया है, भीग गए। ये देखो सारा भाई, ये पिछले 4-5 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब जैसे अभी यहाँ बारिश हो रही है, मैंने घर पे फोन किया, कह रहे वहां तो धूप निकली है तेज, और यहाँ देखो बारिश हो रही है। ये देखो, आपको कहीं लग रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो कितनी बारिश हो रही है, और वहां कह रहे धूप निकली हुई है। भाई जैसे घर के नजदीक पहुंच रहा हूँ, देखो बारिश बंद, और मुझे लग रहा है घर के वहां पहुंचूंगा तो बिल्कुल सूखा होगा। तो मेरे को लग रहा है जहाँ पे हम रहते हैं हम लोगों ने ज्यादा पाप किए हुए हैं। हमेशा ऐसे होता है कि 2-4 दिन पहले भी बहुत तेज बारिश हुई थी अलग अलग जगहों पर, कल भी बारिश हुई थी, कल मैं जब गया था, और आज देख लो आज भी हो रही है, लेकिन जैसी घर की तरफ जा रहा हूँ बारिश नहीं हो रही। मतलब कल भी जो है अलग अलग जगहों पे बारिश हुई है, लेकिन घर पे घर के पास नहीं हुई। और परसों तो बहुत तेज बारिश हुई है जगहों पर, लेकिन हमारे घर के पास बस बूंदा बांदी हुई है, थोड़ी सी बूंदा बांदी। ये देखो पीछे की पूरी रोड गिली थी, अब देखो उसके आगे तो सूखी हुई है बिल्कुल, मतलब यहाँ तो बारिश नहीं हुई है। यार क्या चल रहा है, ये देखो पूरी गाड़ी गिली है, शीशे वीशे सब गिले हैं, ये तो इसलिए साफ है क्योंकि भाई वाइपर चलाए। लेकिन ये देखो इधर भी बारिश नहीं हुई है, कहीं पे देखो वो देख रहे हो, इधर की रोड पे भी कहीं बारिश नहीं हुई है सामने, क्योंकि ये तो इसलिए गीला है क्योंकि यहाँ से गाड़ियां गई होगी गीली होके। आगे देखो रोड के आगे पूरा का पूरा देखो, देख रहे हो सारा का सारा सूखा पड़ा है। देख लो भैया, देख लो ये, देख लो पूरा का पूरा सूखा पड़ा है, बूंद इतनी है बूंद। भाई ये देखो फ्लेक्स बक्स, आपने देखा जिसमें मैंने ट्रैवल किया था, आप बोल रहे हो यार इसकी प्रमोशन ही करते रहते हो। भाई कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ कि फ्लेक्स बक्स दिखते जाते हैं, जहां मैं जाता हूँ वहीं दिखती रहती है मुझे। भाई देखो घर पहुंच गया और यहाँ पे बरसात की कोई बूंद नहीं पड़ी हुई, देखो आगे आगे तक। हालांकि जब अब धूप थी अभी चली गई, हो सकता बारिश है, लेकिन अभी फिलहाल कोई धूप कोई बारिश नहीं हुई। तो आप देख सकते हो वहां बारिश हो रही थी, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो नीरा सूखा पड़ा है, नीरा जिंदा सूखा गया था, जिंदा सूखा पड़ा हुआ बिल्कुल। घर पहुंच गया हूँ, शर्म नहीं है क्या नहीं मंगाया, सो रही थी ना तू, गाइस मैंने बोला था ना मैंने कि कल मैंने जो खाया है ये उठेगी सुबह और ये बोलेगी मेरे लिए मंगाया, देख लिया आपने क्या बोला था। चल कल मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, बाय बाय। घर पहुंच गया, खाना खाऊंगा सो जाऊंगा।